तो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक अगेन टू तो माय चैनल एंड वेलकम टू तो न्यू ब्लॉग एज वेल तो आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे इन फाइन शाइन होंगे और प्रोमो टाइटल से तो आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा आज की वीडियो के बारे में अच्छा जी आ, कुछ क्लिप्स मैंने यहाँ पर ना कंबाइन जब किए तो कुछ क्लिप्स जो थे वो उड़ गए आई डोंट नो कहाँ उड़ गए बट एनी उड़ गए और लॉन्ग अगो मैं आपके साथ काफ़ी ज़्यादा लॉग्स जो थे शेयर करती थी लेकिन अब इतने ज़्यादा ल्ल्स शेयर करने का थोड़ा सा टाइम कम ही मिलता है बट कोशिश करती हूँ थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ आपके साथ शेयर हो जाएँ और मेरी मॉर्निंग का जो स्टार्ट हुआ था तो वो ब्रेकफास्ट से हुआ था और मैंने ब्रेकफास्ट में ना ऑमलेट के साथ साथ बनाई थी बेसन की रोटी बहुत ही मज़े की ज़बरदस्ती बनती है मैं वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ और आई थिंक कि मोस्टली लेडीज़ जो है ना वो बेसन की रोटी जिससे हमारे यहाँ विशली बनती है ना उसी तरह से बनाती हैं अक्सर लेडीज़ लड़कियाँ बहुत पसंद करती हैं और जो इसका मेन पर्पस और जो बेनिफिट है ना वो है इसकी डाइट और डाइट के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है सो तो आजकल ना मैं थोड़ा बहुत डाइट की तरफ आ रही हूँ पोर्शन कंट्रोल से मैं डाइट लेती हूँ कुछ ख़ास इतना मेरा डाइट या इस तरह से कोई प्लान नहीं होता बट बेटर uh, है कि अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हम थोड़ा सा uh, मतलब केयरफुली ही ऐसे स्टेप्स को फॉलो करें तो सोचा क्योंकि एज के साथ साथ ना हमें थोड़ी सी अपनी केयर uh, भी करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए डेफिनेटली हम हाउस वमेंस हैं तो हमें घर सारा देखना होता है वर्किंग वमेंस भी हैं तो सब कुछ उन्हीं पे डिपेंड करता है तो जब तक एक लेडी अपने घर को सही तरीके से आफ्टर करेगी ना तो सारा कुछ ठीक और सेट रहता है लेकिन अगर एक हाउस होल्ड लेडी ही थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज में फंस जाए या इस तरह से अप एंड में वह लग जाए उसके हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाए तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं और लास्ट ईयर ऐसा ही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ बेशक बीमारी जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से है आजमाइश है बस अल्लाह ताला ही देता है बीमारी और शिफा भी अल्लाह के ही हाथ में है बेशक अल्हम्दुलिल्लाह और वो देता भी है तो आज के वीडियो में कुछ ख़ास इतना मैंने आपके साथ कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करना था लेकिन बात से बात निकलती चली जाती है तो आपके साथ शेयर होती चली जाती है तो लास्ट विंटर्स में ना बस मैं बीमार ही काफ़ी ज़्यादा जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं आई थिंक उनको याद होगा बट अल्लाह ताला ने बहुत रहम किया करम किया और बहुत अच्छी सी रिकवरी हो गई मेरी और अभी जो विंटर्स स्टार्ट हुए हैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला खैर खरीत से हमें सर्दियाँ और गर्मियाँ नसीब फरमाएँ और हर मौसम की सौगात हर मौसम के मज़े उसके इन्वामेंट को मतलब आ, फील करने के और नसीब करें हम सब को उस मौसम को गुजारने के आमीन सुमा, आमीन तो मुझे भी आप लोग अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें तो जनाब ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा छोटे मोटे आ, जो किचन के काम थे हेल्पर तो सब कुछ करके चली जाती है लेकिन उसके बाद सारा कुछ लुक आफ्टर अगेन मुझे ख़ुद भी करना पड़ता है क्योंकि कुछ मेरी अपनी भी ऐसी हैबिट्स हैं कि मैं हर चीज़ को ना मुझे हर चीज़ सिमट्री से चाहिए अपनी जगह पे सेट चाहिए तो डेफिनेटली वो तो अपने हाथ के ही करने से होता है सारी तसल्ली जो होती है ना हमारी ख़ुद के करने से ही होती है तो उसके बाद थोड़ी बहुत मुझे ग्रोसरी के लिए निकलना था और क्योंकि सर्दी बहुत शदीद हो गई हुई है कुछ दिनों से ना काफ़ी ज़्यादा रेन है और इस्लामाबाद में तो बेतहाशा सर्दी हो चुकी है और के पी के भी साइड पर बिकॉज़ हमारे नार्दर्न एरियाज़ हैं तो वहाँ पर स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई है ना तो हमारी तरफ भी बहुत ज़्यादा जो ठंड है ना काफ़ी बढ़ गई है तो जी अल्लाह ताला खैर खरीत से ये सर्दियाँ आप सबको भी और मुझे भी खैर खरीत से नसीब करे और सर्दियों सर्दियों की ना कुछ सौगात भी होती है और बस बड़ा मज़ा आता है खाने पीने के भी बड़े मज़े मज़े के पकवान बनते हैं डिशेस डेजर्ट्स बनते हैं और अच्छा जी तो बात मैं करी थी ग्रोसरी की कुछ ख़ास ही चीज़ें मेरी मतलब बेसिक्स कुछ ऐसे आइटम्स थे किचन के ही तो वो मुझे लेने थे मैं नोट आउट कर लेती हूँ नोटबुक में बट वही बात आती कि जब स्टोर में जाते हैं तो मेन चीज़ें हमें भूल जाती हैं और दूसरी चीज़ें हम ले लेते हैं लेकिन एनीवेज वन स मंथ टी में मंथ बहुत कम ही जाती हूँ ग्रोसरी के लिए क्योंकि जो आइटम्स ख़त्म होते हैं मैं सिर्फ वही बाई करती हूँ क्योंकि एक तो uh, आए दिन ना uh, सारी चीज़ें न्यू आती रहती हैं और स्पेयर इतना कुछ रखने का फ़ायदा भी नहीं जगह भी चाहिए फिर उसको स्टोर करने का सारा कुछ मतलब एंड दैट करना पड़ता है और मैं क्योंकि सब कुछ अरेंजमेंट अकेले करती हूँ मेरे साथ कोई और हेल्पर नहीं होता घर में तो इसलिए ना मैं अपने कन्वीनियंट को देख कर सब कुछ सेट करती हूँ मतलब उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग्स करती हूँ और अच्छा मार्केट में विंटर्स के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर्स क्रीम्स फेस वॉशेस सोप्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं अच्छा मैं तो इस तरफ जाती नहीं बिकॉज़ मैं इतना यूज़ भी नहीं करती और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो चीज़ यूज़ करें विंटर्स और समर्स में अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो आपको सूट करे ठीक है क्योंकि लॉट्स ऑफ वैरायटी इन द मार्केट्स बट स्किन के साथ हम खेल नहीं सकते सेंसिटिव पॉइंट है ये और दूसरा ये कि कुछ वीडियोस में शेयर कर भी चुकी हूँ अकॉर्डिंग टू विंटर्स मॉइस्चराइज़र क्रीम्स और इन नेक्स्ट भी करने लगी हूँ कमिंग सून तो प्लीज़ आप लोग चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा ना तो आपको स्टार्ट पर ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा न्यू और लेटेस्ट वीडियो का ठीक है और इसी वजह से मैं आपको हर वीडियो में रिपीट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब मस्ट किया करें क्योंकि मैं अब आपके साथ बहुत सारी न्यू और डिफरेंट वीडियोस व्लॉग्स शेयर करती हूँ और मेरा दिल करता है कि आपके साथ मैं थोड़ा बहुत ना अपनी लाइफ स्टाइल की साइड की और सेल्फ़ ग्रूमिंग की फ़ैशन के अकॉर्डिंग इस तरह की भी वीडियोज़ शेयर करूँ क्योंकि मेरे जो ओवरसीज सब्सक्राइबर्स हैं उनकी डिमांड होती है इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर लिया करें कोई भी क्वेश्चन हो क्यूरी होता वहाँ हो, पर आप मुझसे पूछ सकते हैं और जनाब यहाँ पर यह देखिए जी मैंने टी भी लेनी थी ब्लैक टी वो भी ले ली ग्रीन टी भी चाहिए थी वो भी ले दी और अच्छा मैं डाइट कंट्रोल की बात कर रही थी थोड़ा सा ना मैं अब स्लोली एंड ग्रेजुअली डाइट कंट्रोल पे आ रही हूँ हेल्दी डाइट होनी चाहिए और बेसिक्स पोर्शंस में खानी चाहिए ऐसा जब हम करते हैं ना कि फुल टमी भर देते हैं हम हर चीज़ से अल्मा खा कर क्योंकि भूख होती है तो यही चीज़ जो होती है वो हमारा वेट भी गेन करती है और हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होती तो मैं अब थोड़ा सा इस साइड पर आते जा रही हूँ स्लोली ग्रेजुअली अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी बहुत कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स इजी वे में चाहिए तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी लेकिन उसके लिए आप ना कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझसे डिस्कस uh, कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं मैं किस तरह से अपना डाइट कंट्रोल प्लानिंग करती हूँ किस तरह से पोर्शंस में डाइट लेती हूँ ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी लेकिन उसके लिए आपने मुझे करना होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ठीक है और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी मस्ट कर लीजिएगा और जनाब अच्छा बेकिंग के जो आइटम्स होते हैं वो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिए हैं वैसे मुझे बेकिंग इतनी प, बेकरी सॉरी बेकरी आइटम्स खाने के लिए ना इतने पसंद भी नहीं हैं फ्राई चीज़ें भी मैं इतना ज़्यादा नहीं पसंद करती अवॉइड ही करती हूँ और अब तो बिल्कुल ही छोड़ दिए सो हेल्दी पोर्शंस में ना जो डाइट हमारी होती है वो काब्ज़ होते हैं और प्रोटीन होती है वाइटमिन होते हैं तो ये तीनों चारों जो आइटम होते हैं ना ये सारा कुछ हमें वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में मिलता है तो मैं यही ट्राई करती हूँ कि मेरा जो इनटेक है ना वो वेजिटेबल्स का ज़्यादा हो फ्रूट्स में थोड़ी सुस्ती आती है हस्बैंड के साथ या कोई मेरे साथ बैठकर खाने वाला होना तो फिर मैं ख़ुशी ख़ुशी फ्रूट में पार्टिसिपेट कर लेती हूँ लेकिन फ्रूट में आई डोंट नो व्हाई मुझे सुस्ती सी लगती है हालांकि मैं खुद बनाती हूँ फ्रूट चाट और इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से जो होते हैं ना चाट्स और चना चाट वग़ैरह फ्रूट चाट लेकिन बस मेरा उस तरफ मेरा ध्यान नहीं होता ख़ुद के लिए सुस्ती सी आ जाती है तो इस तरह से है मेरा कुछ छोटा मोटा सा शेड्यूल और इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी कुछ असूल होते हैं कुछ मतलब बेसिक्स होती हैं जब हम बिल्कुल ही प्रॉपरली डे फर्स्ट से एकदम से ना डाइट शुरू कर देते हैं तो एक तो उससे हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम पर बहुत ही मसला हो जाता है हमारा जो स्टमक है वो बेचारा चीखने चिल्लाने पर फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है तो आगे बेचारी हमारे जो स्टमक की कंडीशन है तो वो क्या डाइट करेगी और क्या हमारे लिए हेल्पफुल होगी ना तो इसके लिए थोड़े से स्टेप्स होते हैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को ग्रेजुअली स्लोली स्टार्ट करना चाहिए तो बस इसी के अकॉर्डिंग चले जी आपको भी कुछ टिप्स मैंने यहाँ पर शेयर भी कर दी और मेरी यहाँ पर ग्रोसरी भी हो गई शॉपिंग भी हो गई और सर्दियाँ क्योंकि बहुत हो गई हैं स्टोर्स कुछ ऐसे हैं जो जल्दी क्लोज भी हो जाते हैं और क्योंकि ये जो मैंने क्लिप्स कंबाइन किए हैं ना थोड़े दिन पहले के हैं और उस वक्त इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं स्टार्ट हुई थी अब काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो चुकी है और दूसरे वीडियोस क्योंकि रेगुलर लाइन पर होते हैं तो उनको शेयर करते करते ना मेरे व्लॉग्स का जो नंबर होता है वो काफ़ी थोड़ा लेट हो जाता है तो काइंडली जजमेंटल ना होइएगा क्योंकि ये कुछ दिन पहले के क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टोर तो ये मेरे घर से बहुत दूर हैं ड्राइव पर ही हैं तो इसीलिए ना टाइम स्पेशल निकाल कर जाना पड़ता है हमें इस तरह से सौदा सेल्फ के लिए भी और जनाब मेरा आ, बहुत ही मतलब जिस तरह से लास्ट विंटर गुज़रा है तो अल्लाह ताला ने मुझे नसीब किया एक और साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और लास्ट डेज़ में मेरी बर्थडे भी थी जो कि मेरी फैमिली ने बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेट की और इसके साथ साथ ये कहना तो मैं भूल ही नहीं सकती और अम्मी की बहुत याद आती है बहुत अम्मी को मिस किया इंतहाई मिस किया ये शेयर करने वाली बात है ही नहीं क्योंकि जो लोग दिलों में रहते हैं माइंड में रहते हैं उनको तो भुलाया जा ही नहीं सकता और माँ बाप का पेरेंट्स का जो रिश्ता है तो वो तो मतलब अनफर्गेटेबल है और कुछ नहीं उसके बारे में मैं स्पीचलेस हूँ नहीं कह सकती अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस किया हर घड़ी हर लम्हा हर पलमी बहुत याद आती हैं और मेरी फैमिली ने बहुत मुझे अच्छा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया सरप्राइजिंग मेरा बर्थडे था और इन्होंने मेरे अल्लाह ताला बहुत अच्छी ज़िंदगी लंबी सेहत तंदुरुस्ती के साथ मेरे भाई को अता फरमाया अमीन तो उसने मुझे सरप्राइजिंग डिनर दिया बहुत अच्छा लगा बहुत ज़बरदस्त प्यारी जगह पर दिया और जो डिनर था बहुत ही मज़े no का था नो डाउट अबाउट इट बहुत ज़बरदस्त बड़ा मज़ा आया डिनर का और इसी वीडियो में ना एंड पे जरूर देखिएगा थोड़ा सा शॉर्ट क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया बिकॉज लॉन्ग गो मैंने फैमिली डिनर किया था अटेंड और या फिर क्या है क्योंकि मिड में कुछ इस तरह से हालात गुजरे हैं और लाइफ की स्टेजेस और स्ट्रगलिंग लाइफ जिन लोगों की होती है ना और साथ में थोड़े से अप एंड डाउनस भी हेल्थ इश्यूज़ भी तो उसके साथ साथ फिर बड़ी प्रॉब्लम भी हुई तो अलहदुल्लह बस आफ्टर लॉन्ग टाइम फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम मैंने स्पेंड किया अम्मी की याद के साथ और अम्मी तो खैर बिल्कुल नहीं भूलती मुझसे और केक जो था मेरे हस्बैंड लेकर आए थे बहुत ज़बरदस्त केक था ये ब्लैक फॉरेस्ट था लेकिन मुझे कोटिंग जो है ना इसकी फ्रेश क्रीम के साथ विबिंग में जो है वो वाइट में पसंद है तो बड़ा मज़ा आया बड़ा केक था बहुत अच्छा और डिनर फिर फैमिली के साथ किया और स्टार्टिंग में ना हमने स्टार्टर एज ए स्टार्टर हमने सूप मंगवाया बहुत ही डिलिशियस सूप था इतना टू टेस्टी अभी तक मुझे उसका टेस्ट नहीं भूलता और जो वेन्यू uh, था मतलब ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पुरसकून और एम्बियस जो है इसका बहुत खूबसूरत है अगर आप लोगों को जानना है इस प्लेस का uh, नाम तो आप लोगों ने ना मुझे करना है मैसेज और ये देखिए जी सूप बड़ा मज़े का गर्मा गर्म इनतहा टेस्टी था इसके साथ साइड ऑर्डर्स भी किए मैंने अपनी मर्ज़ी के क्योंकि मैं बर्थडे गर्ल थी सो मेरे पे ही सब कुछ डिपेंडेबल था मेन्यू डिसाइड करना और प्लेटर भी हमने ऑर्डर किया जिसमें हर चीज़ होती है आप लोगों को भी पता ही है बहुत टेस्टफुल खाना था बहुत टेस्टफुल खाना था और बड़ा मज़ा आया अल्लाह ताला सब को तोफ़ी दे और अल्लाह ताला हम सब को खैर आफियत की ज़िंदगी सेहत के साथ अता करे और जिन्होंने मेरी फैमिली ने स्पेशली मेरी फैमिली ने मेरी बर्थडे को इतना ज़बरदस्त सेलिब्रेट किया इट्स मैटर मी और लॉट अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला आप सब के दस्तरखान मेरे भाई समेत मेरे बाबा मेरे हस्बैंड समेत कुशादा और खुला रखे और ज़िंदगी और रिस्क में सेहत में बरकत डाले आमीन सुमा आमीन तो जी आज का व्लॉग था ये यहीं तक इसको मैं आप करती हूँ एंड क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है वीडियो लेकिन आप लोगों को फुल वॉच ज़रूर करने उम्मीद है आप लोग फुल वॉच करेंगे और आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद भी आएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दें याद रखना ना भूलिएगा तो नेक्स्ट वीडियो तक चाहूँगी इजाज़त अल्लाह हाफिन बाय बाय